चाहत हुई तेरे ना। अशर, तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए था ना दुल्हन के। तुमने क्या चुपकर रोजा रख लिया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? अरे बोलो, ये लो ये अंगूठी मैं लेके आई थी ताकि तुम उसे अपने हाथों से मुंह दिखाएगी। अरे मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुन नहीं रहे हो अशर? अपनी जिंदगी को गदर करने के चक्कर में हूँ, सोच रहा हूँ कि उसके साथ इंसाफ कर सकूंगा या नहीं। लगता है तुम्हारे सर पे से जोया का भूत अभी तक उतरा नहीं है। मामा प्लीज, अब तो उसकी जान छोड़ दीजिए। आपके कहने पे सभी कुछ तो कर दिया उसने, अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया, आपके कहने पे अपनी सौतन ले आई। मैंने ये सब कुछ करने के लिए उसे नहीं कहा था, मैं तो खुद कर रही थी। अब ज्यादा उसकी तरफदारी करने की कोशिश मत करना, अच्छा? अरे सायरा, जल्दी कर लो, ऐसा ना वो लोग उठ गए हो, नाश्ते पे हमारा इंतजार कर रहे हो। अरे रहने दे रजिया, वो लोग कोई हमारे जैसे छोटे लोग नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है, आराम से ही उठते हैं वो लोग। लो ये तुमसे किसने कह दिया कि जो लोग देर से सो के उठते हैं वो काहिल होते? अरे भाई, लोग तो लोग होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, वैसे ये हमारा जो अशर है ना, सवेरे सवेरे ही ऑफिस चला जाता है। बस अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। बस बहन ये दुआ करो कि हमारी बच्ची वहाँ खुश रहे। आमीन सुम आमीन। अब मैं ना हीरा के लिए हलवा बना लूँ, फिर चलते। चल मैं भी तेरी हेल्प कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। चल आज ऑफिस चला गया सुबह सुबह बगैर नाश्ता किए, तुमने रोका नहीं? मैंने भी यही कहा था उससे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अरे कम से कम मुझे बता के तो जाता। अच्छा एक काम करो, फोन करो, मैं बात करती हूँ। जी करो जया, अब और क्या क्या करवाओगी मुझसे? मुझे पता है कि तुम मामा के कहने पे मुझे वापस बुलवाना चाह रही हो। अम्मी मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा? ऐ रत्ती बात,
मैं जानती हूँ वो घर वापस नहीं आना चाहता, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा। लेकिन मैं उन मेहमानों को क्या जवाब दूंगी, उसके ससुराल वाले आने वाले। अच्छा परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। आने दो उसे, बात करती हूँ। अम्मी प्लीज आप उससे कुछ मत कहिएगा, मैं जानती हूँ वो बहुत डिस्टर्ब है, थोड़ा सा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। हदीब आप लोगों को थोड़ी सी देर हो गई, मैं तो कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। मैं तो सायरा से सुबह से कह रही हूँ जल्दी कर लो, देर हो रही है, वो लोग उठ गए होंगे। बस जी वो थोड़ा नाश्ते में ही देर हो गई। अरे कोई बात नहीं, ऐसे कामों में देर सवेर हो जाती है। हीरा बेटी कहाँ है? हाँ अपने कमरे में, मैं बुलाती हूँ उसे। नूरी नूरी। जी बेगम साहबा। वो दुल्हन बीबी को जगाओ, उनसे कहो कि उनके घर से नाश्ता आया है, उनकी अम्मी भी आई। जाओ। जी मैं अभी बोलती हूँ। क्या बात है, तुम ऐसे यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? एक दुल्हन जिसका शौहर सुबह सुबह बिना बताए चला जाए, वो लड़की क्या सोच सकती है, तुम बताओ। हेरा तुम तो जानती हो ना कि अशर अपने काम में कितना मसरूफ रहता है, बस अभी भी उसे किसी मीटिंग की वजह से जाना पड़ गया, वो वापस आ जाएगा जल्दी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नूरी। बीबी जी वो दुल्हन बीबी को बेगम साहबा बुला रही हैं, इनकी अम्मी आ गई है ना नाश्ता लेके। अच्छा ठीक है, तुम जाके नाश्ता लगाओ, मैं हेरा को लेकर आती हूँ। जी हेरा। कम ऑन चेयर अप, तुम्हारी अम्मी आई हैं। चलो। अशर बेटा नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? आंटी अशर को एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ गया है, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन शादी की पहली सुबह तो। आंटी कैसी बातें कर रही हैं, अब हेरा और अशर तो इसी घर में है ना, नाश्ते तो होते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक कह रही हो, वैसे उसका सुबह सुबह उठ के इस तरह दफ्तर चले जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कारोबार है ऐसा तो होता ही है। कोई बात नहीं, नाश्ता अगर हमारे साथ नहीं किया तो आप लोग आज रात का डिनर हम सबके साथ करें। नहीं नहीं हमें तो आप इजाजत दें, फिर किसी दिन आएंगे हम लोग। अरे आप लोग परेशान ना हो, मैं ड्राइवर से आप लोगों को आपके घर ड्रॉप करवा दूंगी। जोया नूरी से कहो आज रात को कोई बहुत अच्छा सा खाना बनाए, हमारी बहू का आज यहाँ इस घर में पहला डिनर है, ये सब हमारे साथ खाना खाएंगे। जी अम्मी मैं कह देती हूँ, आप लोग नाश्ता करें प्लीज। आप लेना खाएं कुछ। दुनिया दी उस नुकरे जिते बंदा ना बंदे दी साथ होए। नूरी अच्छा सुनो, आज खाना जो है ना वो अशर हेरा की पसंद का बनना चाहिए, इतना अच्छा खाना बनाओ कि वो खुश हो जाए। बीबी जी अशर साहब की पसंद तो मुझे पता है, लेकिन नई दुल्हन की पसंद नहीं पता। अच्छा तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं पता कर लूंगी, लेकिन आज सारा खाना मेरी निगरानी में बनेगा ताकि अम्मी को कोई मौका ना मिले बात करने का। ठीक है? जी ठीक है। क्या बन रहा है, मैं भी हेल्प करूँ? तुम्हें क्या जरूरत है हेल्प करने की, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम अम्मी के साथ जाके बातें करो, काम हम कर लेंगे। जोया ये मेरा घर भी तो है ना, पहले दिन की क्या बात है। बिल्कुल तुम्हारा घर है और हम तुमसे काम भी कराएंगे, लेकिन तब जब तुम हमें अच्छे से खीर बना के खिलाओगी ना, उसके बाद खूब काम कराएंगे हम इससे। ठीक है नूरी?
अब तुम जाओ जाके अम्मी के पास बैठो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बताओ क्या निकाला? अरे तुमने अभी से क्या चढ़ा दिया? जोया अशर को फोन करो भाई, आया नहीं अभी तक, इतनी देर कर दी। जी अम्मी मैं करती हूँ। बेटा इतनी देर कर दी तुमने, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्यों मेरा इंतजार क्यों हो रहा है? अरे खाने पर भाई, आज हम सब ने मिलके शादी की खुशी में डिनर का प्लान किया था ना। आप डिनर कीजिए, वैसे भी मैं खाना बाहर से खा के। सोया ये क्या बात हुई? हम सुबह से अशर का इंतजार कर रहे हैं खाने पे, और वो आया और कमरे में चला गया। इंसान कुछ मेहमानों का ही ख्याल कर लेता, कितनी अजीब सी बात है, ना सलाम ना दुआ। एक्चुअली आंटी बात यह है कि अशर अपने बिजनेस की परेशानियों में थोड़ा उलझे हुए हैं, तो शायद इसलिए आप लोगों पे ध्यान नहीं दे पाए। ऐसी भी क्या मसरूफियत, इंसान दो मिनट रुक के अलग सेलेक कर लेता है, आखिर उसके सास आई हुई है। अरे आप लोग नाराज ना हो, खाना शुरू करें, इससे मैं बाद में बात कर लूंगी। चल प्लीज ले। हाँ प्लीज आंटी खाना शुरू करें ना। हेरा अशर, तुमने हिरा की फैमिली के साथ कल जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। देखो जोया मुझसे और मजीद एक्टिंग की, मजीद नाटक की तवक्क मत करना। नाटक मतलब? जो काम अपनी मर्जी से ना किया जाए, जिसमें किसी और की मर्जी शामिल हो, उसे नाटक ही कहते। लेकिन अशर हिरा अब तुम्हारी बीवी है। हाँ मेरी बीवी है, तुम्हारी जिद की वजह से आज वो मेरी बीवी है और कुछ नहीं। लेकिन सायरा किसी सोच में घूमो। रसिया मुझे अशर के रवैये से लगा कि वो इस शादी से खुश नहीं है, उसका रवैया ठीक नहीं था हीरा के साथ। खुदा करे हीरा को वहाँ कोई तकलीफ ना हो, उस बिचारी ने पहले ही बहुत दुख देखे। हाँ बस इसी बात का तो डर लग रहा है, जो फैसला मैंने अपनी बेटी की बेहतरी के लिए किया है कहीं उसके लिए दुख का बायस ना बन जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम तो बस दुआ करो कि हीरा हमेशा अपने घर में खुश रहे। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। चाहत हुई तेरे ना। अपने माजी और अपने हाल में रहना चाहूंगा, क्या आप इस तरह मेरे साथ जिंदगी गुजार सकेंगे? देखो जोया मुझसे और मजीद एक्टिंग की, मजीद नाटक की तवक्को मत करना। नाटक मतलब? जो काम अपनी मर्जी से ना किया जाए, जिसमें किसी और की मर्जी शामिल हो, उसे नाटक ही कहते। लेकिन अशर हैरा तुम्हारी बीवी है। हाँ मेरी बीवी है, तुम्हारी जिद की वजह से आज वो मेरी बीवी है और कुछ नहीं। क्या बात है हेरा, तुम हर वक्त ऐसे सोचों में गुम क्यों बैठी रहती हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? जोया मुझे ऐसा लगता है जैसे अशर मुझसे शादी करके खुश नहीं है।
तुम्हें ऐसा अशर के रवैये से लग रहा है ना, तो उसकी सिर्फ एक वजह है। इंसान के लिए जितना मुश्किल दूसरी मोहब्बत को कबूल करना होता है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल पहली मोहब्बत से मुकरना होता है। सो आई होप कि तुम इस बात को समझोगे और अशर को थोड़ा सा टाइम दोगे। नूरी जी, वो जोया को भेजो, मुझे जरा उससे बात करनी है। अभी बुलाती हूँ। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, अशर से तुम्हारी कोई बात हुई या नहीं? जी, मेरी बात हुई थी उनसे। वो कह रहा था कि मैंने आप दोनों के कहने पे जो कुछ कर सकता था कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या हो गया अशर को? कब तक फिल्मी हीरो की तरह मुंह लटकाए मेरे फैसले का मातम करता रहेगा? तुम एक काम करो ना, कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ। हो सकता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो हीरा में कुछ इंटरेस्ट लेने लगे। क्या बात है हीरा, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? कोई जरूरी बात? आप मुझसे शादी करके खुश नहीं है ना? इस बात का जवाब जाके मेरी मां से आओ। ऐसा नहीं अशर, इस सवाल का जवाब मुझे आपसे सुनना है, क्योंकि शादी आपने की है मुझसे। मेरा शायद तुम्हें याद हो, मैंने तुमसे शादी से पहले कहा था कि मैं अपने माजी और हाल में जीना पसंद करूंगा। मुझे याद है आपने कहा था, लेकिन आप सिर्फ माजी में जी रहे, हाल के साथ नहीं। ये काफी नहीं कि मुझे अशर की अम्मी ने इस घर से नहीं निकाला, बल्कि वो मुझे सिर्फ कुछ दिनों के लिए घर भेज रही है। कहीं ये चंद दिनों का फासला मेरे और अशर के दरमियान हमेशा की दूरी ना बन जाए। दूरी का एक सहरा जिसे मैं कभी पार ही ना कर सकूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
आशा, आशा क्या हुआ? कोई चीज चाहिए काम? चाय रहा? नहीं, थैंक यू। अशर, मतलब तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, समझाने की जरूरत नहीं है। जो अब तक तुमने जो कुछ भी कहा है मैंने वो किया, और क्या चाहती हो बता दो, वो कर देता हूं। कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि अम्मी की तरफ चली जाओ। दो तीन दिन से तो बात नहीं हुई, ठीक ही होगी। क्या मतलब ठीक ही होगी? तुमने देखा नहीं था उसके शौहर का रवैया हमारे सामने कैसा था? बाद में तो पता नहीं कैसा सुलूक करता होगा वो हीरा के साथ।